हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और पबजी वापस आ चुका है। कहाँ वापस आ चुका है? इंडिया में नहीं। पबजी मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है कि पबजी वापस आ चुका है। एक्चुअल में पबजी का एक नया गेम आ चुका है जिसका नाम है पबजी न्यू स्टेट। ये गेम क्या है, किसके लिए है, क्यों बनाया गया है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, या फिर इंडिया में कब तक आएगा, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा पूरे डिटेल के साथ। तो बिना किसी देरी के चलते जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल यानी कि 25 फरवरी को PUBG की तरफ से एक PUBG न्यू स्टेट गेम का ट्रेलर आया। मतलब काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि PUBG नेक्स्ट हफ्ते आने वाला है, कुछ ही दिनों में PUBG इंडिया में वापस आने वाला है। ऐसे न्यूज़ आपने बहुत जगह सुनी होगी। मतलब यार न्यूज़ कहाँ से आती है पता ही नहीं चलता। चलो खैर छोड़ो, तो यहाँ पर बात यह है कि एक नया गेम PUBG न्यू स्टेट आ चुका है। मतलब उसका ट्रेलर आ चुका है, प्री रजिस्टर के लिए वो तैयार हो चुका है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप उसको प्री रजिस्टर कर सकते हो। iOS के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस गेम को आप एक तरीके से पूरा एक नया गेम कह सकते हो, क्योंकि ये 2051 के ऊपर बेस्ड है। मतलब फ्यूचरिस्टिक गेम है। इसमें आप बिल्कुल जैसा PUBG मोबाइल है उसी तरह 100 लोग आएंगे, एक मैप में उतरेंगे, आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो विनर बनेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्यूचर का गेम है तो यहाँ पर आपको फ्यूचर की गाड़ियाँ, फ्यूचर के गन्स, फ्यूचर की बहुत सारी चीजें, कस्टमाइजेशन, दुनिया भर की जो उड़न दस्तरी होती है, ड्रोन्स होते हैं, आपके जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सिनेरियो ही वही है। तो इस गेम के ट्रेलर को देखने के बाद सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आ सकता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कि आखिर क्यों PUBG मोबाइल चल ही रहा था एक दूसरा गेम बिल्कुल PUBG जैसा ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही सेम है ना, सिर्फ मैप्स अलग है। तो यहाँ पर उसी 2051 का जो सिनेरियो हो पूरा का पूरा, उसी को PUBG मोबाइल के अंदर भी तो डाला जा सकता था, क्यों यहाँ पर नया गेम बनाया गया? तो यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं सबसे पहले रीजन की बात करूँ तो वो आता है चाइना। जी हाँ, आप सबको पता है कि चाइना, मतलब चाइना की रेपुटेशन इस टाइम पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब कोई भी देश, कोई भी कंट्री चाइना के ऊपर रिलाय नहीं होना चाहता, क्योंकि नहीं पता कि कब पूरी दुनिया जो है वो चाइना से बॉयकॉट कर दे। कुछ नहीं कहा जा सकता, इतनी बकचोदियाँ चल रही है चाइना में कि भाई कोई भी कंपनी अपना फुल 100% चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती आज के टाइम में। तो इसी वजह से क्राफ्टन ने क्या सोचा कि भैया एक काम करते हैं, हमारा PUBG गेम चल ही रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल ही रहा है, एक काम करते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट गेम बनाते हैं। PUBG जो मेन वाला है, PC वाला, उसके डेवलपर क्राफ्टन ही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद अपना एक गेम बनाते हैं जिसमें चाइना के इन्वेस्टर्स भले इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना की कंपनीज इन्वेस्ट भले कर सकती है, लेकिन उसका गेम के डेवलपमेंट में, गेम के पब्लिशिंग में, या गेम के किसी भी प्रोसेस में, गेम बनने से लेकर पब्लिश होने तक किसी भी प्रोसेस में किसी भी चाइनीज कंपनी का या फिर किसी भी चाइनीज अथॉरिटी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये कम्प्लीटली चाइना इंडिपेंडेंट गेम होने वाला है। और ऐसा करने का रीज़न यही है कि चाइना की वजह से ही PUBG ने इंडिया के अंदर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक था PUBG के लिए, तो इंडिया के अंदर उनका हाथ इसी वजह से फिसला, क्योंकि वो चाइना से रिलेटेड था। तो इसी वजह से क्राफ्टन ने यहाँ पर खुद पूरा इंडिपेंडेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और अपना ही एक नया वर्जन लेकर आए हैं। दूसरे अगर रीज़न की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रियलिस्टिक चीज़ें पसंद हैं। तो रीज़न नंबर टू में अगर मैं बात करूं तो ये सीधा सीधा COD के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि COD में भी आपको ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, आपको फ्यूचरिस्टिक गन्स मिलती हैं, आपको ड्रोन्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ तो दूसरे जो गेम्स होते हैं उसमें या तो आपको बहुत जगह आपको एलियन बना दिया जाता है, या फिर आप एज अ जानवर की तरह रहते हो, या फिर आप एज अ कोई नया कैरेक्टर बन के निकल कर आते हो। लेकिन PUBG की सबसे स्पेशल बात क्या थी कि आपकी तरह बन के ही गेम के अंदर जाओगे, आप पर्सनल फील करोगे जब भी आप PUBG गेम को खेलोगे। जो भी चीज़ आप देखोगे वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, आपने अपने लाइफ में देख रखी हो चीज़ें, इसी वजह से लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर PUBG न्यू स्टेट में लेकर आया गया है, जहाँ पर चीज़ें फ्यूचरिस्टिक रहेंगी, लेकिन अब भी वहाँ पर आप एज अ आप ही बनकर जाओगे। PUBG डेवलपर्स के मन में ये सवाल आ सकता है कि भैया हो सकता है लोग इस चीज़ से आने वाले कुछ टाइम में बोर हो जाए, या ये जो चीज़ है वो सैचुरेटेड हो जाए, लोगों को कुछ नया देखने का मन करे। और क्योंकि PUBG मोबाइल या फिर PUBG जो ट्रेडिशनल वाला है उसमें वो टाइमलाइन ही हमारा जो है, मतलब 1950 के ऊपर बेस्ड है, तो वो टाइमलाइन में वो कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन PUBG न्यू स्टेट पूरा अलग टाइमलाइन है, पूरा फ्यूचर का टाइमलाइन है,
फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्राफ्टन अपने मन हिसाब से खेल सकता है, जो चाहे चेंजेस वो कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना। ऑब्वियसली फ्यूचर में हो सकता है वो लोग बोल दे कि ये चीज आने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये चीज आ जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर वो लोग एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हैं पबजी न्यू स्टेट के साथ। अब हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से पबजी न्यू स्टेट अभी तक का सबसे तगड़े ग्राफिक्स वाला गेम है मोबाइल के लिए। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है क्राफ्टन ने, जब ये बीटा टेस्टिंग में आएगा, जब इसके ऊपर और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करा जाएगा, काम करा जाएगा। तो फाइनल बिल्ड जब तक इसका आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि इतने अच्छे, इतने तगड़े ग्राफिक्स के साथ आज के जो मोबाइल फोन्स हैं उनके प्रोसेसर्स के साथ ये लोग कैसे मैचअप करते हैं और कैसे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है क्राफ्टन के लिए। क्योंकि देखो, टेंसेंट का काम यही है, टेंसेंट इस चीज में बहुत आगे है। क्राफ्टन मोबाइल इंडस्ट्री में मतलब इतना ज्यादा उनका वो नहीं रहा है अभी एक्सपीरियंस, तो वो लोग पीसी के लिए बहुत अच्छा गेम बना चुके हैं, तो इस वजह से मे भी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो बस यही देखना होगा कि फाइनल बिल्ड जब इसका आता है तो वो कैसा होगा। यहाँ पर अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं कि न्यू स्टेट क्यों बनाया गया है, तो उसका रीजन हो सकता है इंडिया में कमबैक। जी हाँ, आप चाइना, मतलब जो पबजी मोबाइल बैन हुआ वो चाइना की वजह से ही बैन हुआ, तो ये जो गेम है चाइना से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस गेम को अलाउ कर सकती है इंडिया के अंदर। हालांकि अभी आप अगर जाके देखोगे पेज पर तो वहां पर आपको लिखा रहेगा कि दिस गेम इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंट्री, तो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है ये लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हो सकता है बात चल भी चुकी हो, कुछ भी हो सकता है, और मे बी आपको जल्दी ही पबजी का न्यू स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाए। और क्राफ्टन के मन में यही होगा कि भैया अगर इंडिया जैसी दूसरी कंट्रीज भी अगर आगे चलकर कोई ऐसे कंट्री है जो कि पबजी मोबाइल को बैन कर दे या पबजी को बैन कर दे किसी तरीके से, तो वो लोग इस गेम को, क्योंकि ये चाइना इंडिपेंडेंट है, तो इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पर, वहाँ की अथॉरिटीज से बात करके इस गेम को तो अलाउ कर ही सकते हैं, तो पूरे मार्केट के अंदर उनका कैप्चर बना रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है इस नए गेम को लाने का। वरना सीधा सीधा वो लोग इस पूरी चीज को, पूरे सिनेरियो को पबजी मोबाइल के अंदर भी ला सकते थे, हालांकि वो चीज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती, मे बी ये भी एक रीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो रीजन नहीं होगा, इतना तो वो लोग कंट्रोल कर ही लेते। इनका मेन मकसद यही था कि भैया चाइना इंडिपेंडेंट बनो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, एक गेम अपना बेस बनाकर चलो। सवाल नंबर दो, कि क्या ये गेम नया गेम है? तो नहीं, ये कोई नया गेम नहीं है। जी हाँ, 2019 की शुरुआत में रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना एक्सक्लूसिव पबजी मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आने वाले थे जो कि वही आपका जो टेंसेंट था उसी ने डेवलप करा था। वहां पर आपको शील्डिंग का देखने को मिलने वाला था, नई गाड़ियां देखने को मिलने वाली थी, और भी नए फीचर्स जो आपके न्यू स्टेट के अंदर हैं वो फीचर्स आपको चाइना एक्सक्लूसिव पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलने वाले थे। तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, हो सकता है कि क्राफ्टन ने बोला हो कि भैया एक काम करो, तुमने जो वो 2019 के स्टार्टिंग में जो करा था अपना, जो भी तुम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे तुमने नहीं कर पाए, एक काम करो सोर्स कोड हमें दे दो, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम उसको किसी अपने उसमें यूज में करेंगे, और उसी को बेस में लेते हुए इन्होंने इस पूरे नए गेम को तैयार किया हो। क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो शील्डिंग वाली बात है वो भी इसमें आपको देखने को मिलती है, नए व्हीकल्स हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उनका आइडिया यही है कि भैया इसको फ्यूचरिस्टिक कर दो ताकि जो मन करें हम वो इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन का भी खेल है, 2051 1950, तो 2051 के सिनेरियो में वो जो चाहे वो नई चीजें ला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं ला सकते एकदम से, कुछ भी जैसे लोग सैचुरेटेड हो गए तो कुछ बिल्कुल ही नया लेकर आओ वो नहीं कर सकते, लेकिन न्यू स्टेट में वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर नहीं देखा किसी ने, बात रिपीट हो रही है शायद। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस एज यूजुअल कुछ भी नहीं है, विजुअली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वही टाइमलाइन का। दूसरा, यहाँ पर आपको इन गेम वेपन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू स्टेट में। मतलब क्या है इसका, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी स्पेशल जगह बनाई गई हो जहां पर जाकर आप अपने वेपन को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एकेएम में अभी एटैक्स नहीं लग सकता है, लेकिन क्या पता ये जो गेम है इसमें आप ऐसी जगह जाओ जहां पर जाकर आप कस्टमाइज करवा सकते हो, आप अपनी एकेएम में एटैक्स लगा सकते हो। तो ये मतलब एक तो ये तो एग्जांपल है, और भी दूसरी तरह की चीज़ें हो सकती है गेम के अंदर यहां पर, कि एक बंदे के पास दूसरे बंदे के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज है। हो सकता है कि आप इसमें बिल्कुल नए तरह की गोलियां भी डाल सकते हो एक गन के अंदर जो कि ज़्यादा डैमेज करती हो। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ पर करी जा सकती हैं, लेकिन पबजी मोबाइल जो ट्रेडिशनल वाला है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करी जा सकती। इसमें अगला डिफरेंस यही है जो मैंने आपको बताया कि पबजी न्यू स्टेट में अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रैक्टिकल, जो कि अनप्रैक्टिकल कोई वर्ड है भी
तो मतलब ऐसी चीजें जो कि अभी तक हमने नहीं देखी है वो भी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है, पबजी ट्रेडिशनल वाले में नहीं की जा सकती। अगले डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर एक और नया फीचर मतलब देखने को मिला है कि इसमें आपको शोल्डर व्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब आप शोल्डर के साइड से आप व्यू ले सकते हो, भले ही अगर आप गोली चला रहे हो तब का व्यू हो, लेकिन आप यहाँ पर व्यू ले सकते हो जिससे आपका निशाना या फिर आपका देखने का पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, जबकि ट्रेडिशनल वाले में आपको दो ही मोड देखने को मिलता है, एक FPP एक TPP। तो बस एक डिफरेंस ये है। तो अब आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम पबजी मोबाइल जितना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, पता नहीं क्यों। नंबर वन रीज़न, मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में देख रखी हूँ, जो कि पबजी ट्रेडिशनल में है। पबजी न्यू स्टेट में क्या है, सब चीज़ फ्यूचरिस्टिक होंगी, पर्सनली वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को लग सकती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग वो एक मॉडर्न वाला कोई गेम आता था, वो भी नोवा वगैरह खेलते थे पहले, तो वहाँ पर भी चीज़ें भाई फ्यूचरिस्टिक है, हम दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, हम दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर मतलब मैं एलियन बना हुआ हूँ, तो वो चीज़ें मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगती थी जितनी मैं खुद एक रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं उसकी एक गेम खेलूँ। तो यहाँ पर एक ये भी है। दूसरा, आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये COD को बिल्कुल बिल्कुल कम्पीट करने के लिए ही आ रहा है, मे भी जो COD ज़्यादा खेलते हैं वो लोग पबजी न्यू स्टेट में शिफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर अगर मैं इंडिया कमबैक की बात करूँ तो उसका भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जितनी स्ट्रिक्ट चल रही है ना, तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम तक तो अभी नहीं आएगा। खैर वैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी उसका फाइनल जो बिल्ड है उसको ही आने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे मेरे हिसाब से। तो इतना आप बात तो इतनी बात कर तब तक ये लोग बात करते रहेंगे गवर्नमेंट से, और जब हो जाता है फाइनल बिल्ड आ जाता है तब देखते हैं कि इंडिया में आता है या फिर नहीं। तो पर्सनली मैं गेम मतलब अब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहा मेरे अंदर, आ जाता है अच्छी बात है, मतलब हम लोग अगर फोन वगैरह टच करेंगे तो उसमें गेम खेल सकते हैं हम लोग। तो आप मुझे बताओ आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, मेरा तो इतना ज्यादा अब नहीं रह गया। तो बस नीचे अपने मन की बात सारी कमेंट कर देना, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बताई होंगी, तो इसी वजह से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।